नमस्कार दोस्तों, चौपाल संवाद में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संजीव समीर आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग मैसूर पैलेस के बारे में जानेंगे और मैसूर महल में जो भी सूचनाएं हैं उन्हें आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास करता हूं। मैसूर महल दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में स्थित एक खूबसूरत और ऐतिहासिक महल है। इस महल को अंबा विलास महल के नाम से भी जाना जाता है। यह महल भारत आने वाले यात्रियों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र है। साथियों, मैसूर पैलेस को महाराज राजर्षि महामहिम कृष्ण राजेंद्र वाडियार चतुर्थ ने बनवाया था। इस महल को बनाने में लगभग 15 साल का समय लगा था। इसका निर्माण 1897 में शुरू हुआ और यह महल 1912 में बनकर तैयार हुआ। पहले राजमहल चंदन की लकड़ियों से बना हुआ था, जिसको भारी हानि पहुंचाने पर राजमहल के रूप में नए पैलेस का निर्माण करवाया गया। इस महल के बनने के बाद इसमें ऐतिहासिक एक भी बदलाव नहीं किए गए। मैसूर महल को बेहद अद्भुत ढंग से बनाया गया है। यह द्रविड़ पूर्वी और रोमन स्थापत्य कला के मिश्रण से बना हुआ है। इसे स्लेटी पत्थरों से बनाया गया है और गुलाबी रंग के पत्थरों से बने गुंबद से सजा हुआ है। महल में प्रत्येक चीजों को जब गौर से देखेंगे तो एक अद्भुत कलाकृति का नजारा देखने को मिलता है। महल में प्रवेश करते ही प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ सोने की कलश से सजा मंदिर है और इसके दूसरे छोर पर वैसा ही मंदिर है, जो कि दूर से देखने पर धुंधला नजर आता है। इसके विपरीत दिशा में मुख्य भवन अवस्थित है और बीच में एक बगीचा है। महल के दीवारों पर दशहरा के चित्र भी बने हैं, जो कि सजीव लगते हैं। अंदर जाते ही एक बहुत बड़ा कक्ष है, जिसके गलियारे के कोने में थोड़ी थोड़ी दूर पर स्तंभ लगे हैं। इस कक्ष में स्तंभ और छत का सुनहरा नक्काशी किया गया है। इसकी दीवारों पर कृष्ण राजेंद्र वाडियार के जीवन से जुड़े चित्र लगे हैं, जिसमें से ज्यादातर चित्र राजा राव वर्मा ने बनाए थे। कक्ष के बीच छत की जगह एक रंग बिरंगे शीशों से बना ऊंचा गुंबद है, जो कि सूर्य और चांद की रोशनी को एकत्रित करता है। निचले कक्ष को देखने से ये पहले दो तल हैं, जिसमें पहले तल की सीढ़ियां चौड़ी हैं और उसे पूजा तल कहा जाता है, जिसमें देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हुई हैं। दूसरे तल पर दरबार हॉल है, जिसमें बीच का एक हिस्सा
सुनहरे स्तंभों का द्वारा घिरा हुआ है। इस घेरे के दाई और बाई तरफ दो गोलाकार स्थान हैं। इसी तल को पिछले भाग में एक कक्ष में तीसरा सिंहासन है, महाराज महारानी और युवराज के लिए बना हुआ है। पुराने चंदन की लकड़ियों से बने महल को स्थान पर अब संग्रहालय है। महल में एक दुर्ग भी है जिसके गुंबज को सोने की पत्रिकाओं से सजाया गया है। महल में गुंबे थोथी और गुड़िया घर भी है जिसमें गुड़ियाओं को एकत्रित करके रखा गया है। सोने से बने सिंहासन की दशहरे पर प्रदर्शनी लगाई जाती है। गोम्बे थोरी के सामने 7 तोपें रखी गई हैं। गज द्वार से होकर महल के मध्य में पहुंचा जा सकता है जहां पर विवाह मंडप अवस्थित है। महल में दीवाने आम और दीवाने खास भी है। यहां पर हथियार रखने के लिए भी कक्ष बनाए गए हैं। दूसरे तल पर दरबार हॉल है। बीच के बड़े से भाग को चारों ओर से कई सुनहरे स्तंभ घेरे हैं। इस घेरे से बाहर बाएं और दाएं गोलाकार स्थान हैं। शायद एक ओर महारानी और दरबार की अन्य महिलाएं बैठा करती थी और दूसरी ओर से शायद जनता की फरियाद सुनी जाती थी, क्योंकि यहां से बाहरी मैदान नज़र आ रहा था और बाहर जाने के लिए दोनों ओर से सीढ़ियां भी हैं जहां अब वार लगा दी गई है। इसी तल पर पिछले भाग में एक छोटे से कक्ष में सोने के 3 सिंहासन हैं, महाराज महारानी और युवराज के लिए। हफ्ते के अंतिम दिनों में, छुट्टियों में और ख़ास तौर पर दशहरा में महल को रोशनी से इस तरह सजाया जाता है कि आंखें भले ही चढ़िया जाए लेकिन नज़रें उनसे हटना नहीं चाहती। बिजली के 97,000 बल्ब महल को ऐसे जगमगा देती हैं जैसे अंधेरी रात में तारे आसमान को सजा देते हैं।